हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्पोर्ट्स मसाला 23 में। दोस्तों, क्रिकेट का सबसे बड़ा प्रीमियर लीग जो कि आईपीएल होने वाला है 31 मार्च से, उसके लिए सभी फैंस अब बेसब्र से इंतजार कर रहे हैं। उसी बीच दोस्तों, वोमेंस क्रिकेट का सबसे बड़ा प्रीमियर लीग जो कि WPL वो शुरू हो चुका है और उसका जी हाँ दोस्तों, वोमेंस क्रिकेट का जो प्रीमियर लीग है WPL वो शुरू हो चुका है और आज वोमेंस प्रीमियर लीग का दूसरा मैच जो कि RCB और DC यानी कि दिल्ली कैपिटल्स के बीच खेला जा रहा है। टॉस जीतकर आरसीबी की कैप्टन स्मृति मंदाना ने पहले गेंदबाजी करने की फैसला किया, जो कि सही साबित नहीं हुआ। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली कैपिटल्स के दोनों ओपनर यानी कि शेफाली वर्मा और मैक लेनिक्स जो कि कैप्टन है ऑस्ट्रेलियन टीम की, वो दिल्ली कैपिटल्स के तरफ से पहले ओपनिंग करने आई शेफाली वर्मा और मैक लेनिक्स ने काफ़ी ताबड़तोड़ अंदाज से बैटिंग की और पहले सलामी पार्टनरशिप के लिए उन दोनों ने काफ़ी पिटाई की और 162 रनों का पार्टनरशिप जड़ दिया। और दोस्तों, आप सबको बता दें कि शेफाली वर्मा और मैक लेनिक्स दोनों ने ही आज पहले ही मैच में अपना जलवा दिखाकर दोनों ने अपना अपना पहला अर्धशतक पूरा किया। शेफाली वर्मा जो कि काफ़ी धाकड़ बल्लेबाज इंडियन टीम की, वो काफ़ी अच्छी भ्रम में दिख रही थी और उन्होंने सिर्फ 45 गेंद यानी कि 45 गेंद में 84 रन की और इसी बीच उन्होंने 10 चौके और 4 छक्के लगाकर उन्होंने अपनी इस WPL में अपनी जो खौफ वो सभी बॉलर्स के बीच छोड़ दी। उसी बीच मैक लेनिक्स ने भी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ 43 गेंदों में 72 रन की ताबड़तोड़ पारी खेली, जिसमें 14 चौके शामिल थे। तो इसी बीच आप सबको बता दें कि दिल्ली कैपिटल्स ने काफ़ी अच्छी शुरुआत की है इस WPL मैच की और आज पहले ही मैच में उन्होंने RCB के सामने काफ़ी बड़ी लक्ष्य रख दी है। तो आप सबको क्या लगता है, क्या दिल्ली कैपिटल्स इस मैच में आसानी से जीत पाएंगी या स्मृति मंदाना भी आज कुछ खास कर पाएगी और ये रन चेस करने में वो सफल होगी? तो प्लीज़ कमेंट में बताइए।